दुग्ध व्यवसाय शेतकऱ्यांना फडणवीस सरकारने प्रति लिटर 27 रुपये दर देण्याचे ठरविले होते. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना 27 रुपये ऐवजी 17 रुपये प्रति लिटर दर मिळत असल्याने या सरकारच्या निषेधार्थ आणि दुधाला 27 रुपयाप्रमाणे प्रति लिटर दर मिळावे या मागणीसाठी शेतकरी संघर्ष समितीचे अजित नवले आणि कारभारी गवळी यांच्या नेतृत्वाखाली संतप्त शेतकऱ्यांनी अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दगडाच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याला दुधाचा अभिषेक करत नागरिकांना फुकट दुधाचे वाटप करण्यात आले आहे. तर हे सरकारच्या या खोट्या आश्वासनाविरोधात शेतकरी हे आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रभर करणार असल्याची प्रतिक्रिया देत या आंदोलनाबाबत बोलताना अजित नवले यांनी अधिक माहिती दिली आहे. महाराष्ट्र में दूध उत्पादकों की समस्याओं को लेके एक बड़ा एजिटेशन शुरू हो रहा है. उसकी पूर्व संध्या में अहमदनगर जिला में इस आंदोलन की शुरुआत हुई. पत्थर के मुख्यमंत्री को दुग्ध अभिषेक करके इस आंदोलन की शुरुआत की गई है. लोगों ने, किसानों ने दूध लाया, गर्म करके उस दूध के प्याले सरकार को जिलाधिकारी कार्यालय के मार्फत से स्वाधीन किए गए और हमारा दूध आप मुफ्त में लेके जाओ. अगर आप रास्ता दाम नहीं दे रहे हो, लूट कर रहे हो, तो लूटते क्यों हो, मुफ्त में लेके जाओ. इस प्रकार की भावना व्यक्त करते हुए मुफ्त में दूध बांटने का आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू कर दिया गया है. आज नगर में यह हुआ, कल महाराष्ट्र के 8 जिलों में कलेक्टर कचहरी के सामने इस प्रकार से दूध मुफ्त में दिया जाएगा और पूरे 7 दिन यह अभियान चलेगा. और सभी संगठन, किसान आंदोलन के अलग अलग संगठन इसमें भाग लेंगे और एक बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में हो. महाराष्ट्र मध्ये बीजेपी सरकारच्या खोट्या आश्वासनाला शेतकरी वर्ग मोठ्या संख्येने बळी पडत आहे. दुधाला दर मिळत नाही त्यामुळे हे आंदोलन सुरू करण्यात आले असल्याची प्रतिक्रिया कारभारी गवळी यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र में लाखों किसानों ने आत्महत्या की और ये दुग्ध व्यवसाय जो है ये किसानों की आत्महत्या रुकाने के लिए बहुत जरूरी बात है. यहाँ डॉक्टर अजित नवले साहब ने किसान शोषण मुक्तिनामा घोषित कर दिया है. हम चाहते हैं कि भाई पूरे हिंदुस्तान में किसान संरक्षण कायदा आ जाए और इसी के सहारे ये जो आत्महत्या है ये जीरो हो जाएंगी और हमारा जो किसान है इस देश में राजा बन जाएगा. इसी के लिए डॉक्टर नवले साहब के साथ हम आंदोलन कर रहे हैं. दरम्यान या आंदोलनावेळी दूध व्यवसाय शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या शेतकऱ्यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याला दुधाचा अभिषेक घालून नागरिकांना फुकट दुधाचे वाटप केले आहे. प्रतिनिधी उमेर सय्यदसह सुवर्णा ताकटे, SP24 तास, अहमदनगर.